Welcome back. Now we have to discuss about the methods of preparations of aldehydes and ketones. कि लैब के अंदर हम aldehydes को और ketones को किस तरह से बना सकते हैं, अब हमें कुछ ऐसे methods देखने हैं. और हमारे पास यहां कुछ variable methods हैं. Means कुछ ऐसे मेथड्स जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं और कुछ ऐसे मेथड्स जिनसे केवल और केवल एल्डिहाइड बनेगा या केवल और केवल कीटोन बनेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं. ठीक है, सो शुरू करते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर aldehydes एंड ketones. सो अवर टॉपिक इज मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसे मेथड्स जिनसे हम aldehydes और ketones दोनों बना सकते हैं. उन मेथड्स को हम पढ़ेंगे और जिनमें सबसे पहला मेथड आता है नंबर वन, फ्रॉम अल्कोहल्स. अल्कोहल्स कि हम अल्कोहल्स से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं. तो देखें हम क्या करेंगे यहां पर. देखिए फॉर्मूला क्या होता है अल्कोहल का. दिस इज आर सी एच टू ओ एच एंड इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दिस आर सी एच ओ. मतलब देखिए यहां पर क्या हुआ कि RCH2OH को हमने कन्वर्ट कर दिया RCHO, लॉस ऑफ टू हाइड्रोजन. यहां से हमने दो हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए और अगर हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक सिंपल हम बाहर से कोई नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करेंगे अल्कोहल के अंदर. नेसेंट ऑक्सीजन हमने ऐड की, प्रोडक्ट आ गया एल्डिहाइड और साथ में वाटर विल इवॉल्व आउट, पानी वहां से बाहर चला जाएगा. सो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, इस रिएक्शन को हमने स्टडी किया था, डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे अल्कोहल्स और फिनोल्स वाला चैप्टर. उसमें हमने अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की थी जहां हमने ये बात देखा था कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो वो हमें देगा एल्डिहाइड और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो वो हमें प्रोडक्ट देगा कीटोन और अगर हम टर्चरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो टर्चरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन सीधा कभी नहीं हो सकती. मींस हमारे लिए जो अल्कोहल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो या तो प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है. अगर हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट चाहिए तो हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल को हमारा रिएक्टेंट और अगर हमें कीटोन प्रोडक्ट चाहिए तो हम सेकेंडरी अल्कोहल का सेकेंडरी अल्कोहल से हमारी रिएक्शन को शुरू करेंगे. सो जस्ट हम देखते हैं कि ये किस तरह से होती है और कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो ये काम करेंगे. मींस
some reagents which can work as an oxidizing agent. तो देखिए अगर हम बात कहें सबसे पहले कि this potassium chromate, potassium dichromate in presence of sulfuric acid, ये भी oxidizing agent का काम करता है. It will also convert primary alcohol into aldehyde, secondary alcohol into ketones. Second, जो हमारे पास reagent है जो ये काम कर सकता है, that is serrate reagent. Serrate reagent क्या होता है? देखिए reagent का नाम है serrate reagent, और अगर हम reagent लिखें कि reagent serrate reagent होता क्या है, so serrate reagent होता है this chromium trioxide pyridine. And this is C5H5N, 2 moles. This is serrate reagent. Serrate reagent kya hota hai? Chromium trioxide into 2 moles of pyridine with pyridine as a solvent. Pyridine ek solvent ka kaam bhi karega. This is the serrate reagent. ये भी primary alcohol को aldehyde में convert करेगा और secondary alcohol को ketone में convert करेगा. और कोई reagent है जो ये काम कर सकता है, तो third reagent है हमारे पास Collins reagent. And what is Collins reagent? Collins reagent बिल्कुल serrate reagent जैसा होता है, but there is a difference in the solvent. So what is Collins reagent? This is chromium trioxide into 2 mole pyridine with this CH2Cl2 as a solvent. Means dichloromethane solvent ka kaam karega. Reagent बाकी वही रहेगा. So this is the Collins reagent. ये reagent भी primary को convert करेगा aldehyde में, secondary को convert कर सकता है ketone में. और इसी के साथ हमारे पास दो reagent और होते हैं जो इस reaction को करवा सकते हैं, and that is known as Cori's reagent. और इस reagent में हमारे पास mainly दो अलग-अलग type के reagent होते हैं. One is known as PCC, PCC which is also known as pyridinium chlorochromate. This is pyridinium chlorochromate which is equal to this C5H5NH positive Cl negative into CrO3, and one is PDC, and this is known as pyridinium dichromate. This is pyridinium dichromate which is equal to the C5H5NH positive twice, and here it is Cr2O72 negative. So these are the reagents which can be used for conversion of primary alcohol into aldehydes and secondary alcohols into ketones. ठीक है, इन reactions को just आप direct याद रखें, reagents का नाम direct याद रखें. You need not to be
learn about their mechanism. आपको mechanism की इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी. Just आप reagent का नाम याद रखें कि कौन सा reagent, कौन सा chemical डालने कि primary change हो जाएगा aldehyde में, secondary change हो जाएगा ketone में. Now, second reaction है हमारे पास यहीं पर alcohol में ही आती है. That is known as opener Opener oxidation. This is the Opener oxidation. बहुत important reaction है. With mechanism हम इसे समझेंगे. This is the Opener oxidation. इस reaction में हम क्या कर सकते हैं? Alcohol से हम चेंज कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में. द रिएक्शन इज नोन एज ओपेनियर ऑक्सीडेशन. स्पेशल रिएजेंट हम इसमें यूज करते हैं. तो देखिए मैं जर्नल इक्वेशन लिख देता हूं यहां पर. दिस हमारे पास देखिए क्या है. इस तरह से एक अल्कोहल है हमारे पास. दिस इज अल्कोहल. एसीटोन. और हम इसके अंदर एक रिएजेंट डालेंगे. दैट इज एल्यूमिनियम टर्चरी ब्यूटोक्साइड. एल्यूमिनियम टर्चरी ब्यूटोक्साइड. और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कीटोन एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ये हमारे पास रिएक्शन है. दिस इज नोन एज ओपेनियर ऑक्सीडेशन. क्या होगा? हम इसमें एक अल्कोहल लेंगे. अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाएंगे एल्यूमिनियम टर्चरी ब्यूटोक्साइड रिएजेंट के साथ. फिर क्या होगा? एसीटोन सॉल्वेंट होगा. एक्सेस में लिया है हमने. और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कीटोन प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए क्या होता है. मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी लिखता हूं. देखिए रिएक्शन शुरू कैसे होगी. दिस इज अल्कोहल और मेरे पास है एल्यूमिनियम टर्चरी ब्यूटोक्साइड. और एक ब्यूटोक्साइड के स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके लिख देता हूं दिस. ठीक है. दिस इज अल्कोहल. दिस इज एल्यूमिनियम टर्चरी ब्यूटोक्साइड. अब देखिए क्या होगा. एल्यूमिनियम का यहां पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वहां एल्यूमिनियम के पास 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं. मतलब एल्यूमिनियम के पास अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन कम है. सो दिस कॉम्प्लेक्स विल एक्ट एज ल्यूविस एसिड. क्योंकि एल्यूमिनियम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है. एंड दैट अल्कोहल इज वर्किंग एज ए ल्यूविस बेस. क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर पड़े हैं. वो अपने लोन पेयर को यहां पर डोनेट कर सकता है. तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा. ट्रांजिशन स्टेट दिस. एंड वन इज दिस. अब देखिए क्या होगा.
एल्यूमिनियम ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, सो एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, सॉरी, क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर चुका है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, हमें मेटल का नेगेटिव चार्ज खत्म करना है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम से एक टर्चरी ब्यूटोक्साइड ग्रुप को यहां से रिलीज करेंगे और इस तरह से हम हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कराएंगे ताकि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए और एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो हमारे पास देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा अभी, दिस। और जो प्रोडक्ट हमारा यहां से साइड में आ गया, दैट इज दिस टर्चरी ब्यूटेनोल। ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट साइड में आ गया और एक ये प्रोडक्ट बचा हमारे पास। अब देखिए क्या होगा, अब जो हम एसीटोन यूज कर रहे हैं, एसीटोन, देखिए इस कंडीशन तक पहुंचने के बाद एल्यूमिनियम के पास फिर तीन इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड रह गए, सॉरी, एल्यूमिनियम के पास तीन बॉन्ड रह गए जिससे छह ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं और उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एसीटोन में जो ऑक्सीजन एटम पड़ा है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा एल्यूमिनियम को, जिससे दोबारा पहले वाली कंडीशन आ जाएगी। और देखिए अब क्या होगा, सो दिस इस तरह से देखिए हमारे पास हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एल्यूमिनियम के ऊपर फिर से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कंसंट्रेट ऑन दिस, यहां देखिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिस इज नॉट अगेन स्टेबल। यहां फिर से क्या होगा, यहां फिर से एल्यूमिनियम में से हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस बार देखिए ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और यहां से H नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर और यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ताकि ऑक्सीजन के ऊपर का जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो भी खत्म हो जाए। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर जो प्रोडक्ट हमारा बाहर चला गया, दैट इज दिस RCR डबल बॉन्ड O, कीटोन बाहर जा चुका है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। और जो दूसरी चीज बचती है वो बचती है हमारे पास दिस, एंड दिस। अगेन जो प्रोडक्ट और बचा हुआ है एक्स्ट्रा, अब जो टर्चरी अल्कोहल हमने बनाया था, टर्चरी अल्कोहल फिर से एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेगा और फिर से एक बॉन्ड टूट जाएगा, देन द फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो रहेगा दिस। जो जो चीजें हम लेकर शुरू किए थे वही चीजें हमारे पास दोबारा आ जाएंगी, दिस इज CH3 CH3 HOH, दिस इज आइसो प्रोपाइल अल्कोहल प्लस एल्यूमिनियम टर्चरी ब्यूटोक्साइड, फिर से एल्यूमिनियम टर्चरी ऑक्साइड बन चुका है। सो दिस इज द ओपेनियर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू द कीटोन, ओपेनियर ऑक्सीडेशन है ये कीटोन का। ठीक है, इसी तरह हम एल्डिहाइड का भी यूज कर सकते हैं, यहां पर
हम अल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं जब हमने इनिशियल प्रोडक्ट जो इनिशियल सॉरी जो इनिशियल रिएजेंट या रिएक्टेंट जो लिया था जहां हम ले रहे थे R2CH2OH जो हमने अल्कोहल लिया था वहीं से अगर हम चेंज करें तो हमारे पास अल्डिहाइड भी बन सकता है. मैकेनिज्म सेम रहेगा. दिस इज नोन एज ओपेनियर ऑक्सीडेशन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर aldehydes and ketones are from carboxylic acid. Carboxylic acid से हमें prepare करना है from carboxylic acids. We have to prepare aldehydes and ketones from carboxylic acid. Carboxylic acid से हम इसे prepare कैसे कर सकते हैं? तो देखिए एक method है conversion of calcium salt of acids to aldehydes and ketones. कि सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करें उसके कैल्शियम साल्ट में और फिर हम उस कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड को चेंज कर देंगे इनटू अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो देखिए हमारे पास कैल्शियम एसीटेट है और अगर हम इसे डिस्टिल्ड कर दें ड्राई डिस्टिल्ड कर दें तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या रहेगा. द प्रोडक्ट इज दिस कीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट यहां से बाहर चला गया और प्रोडक्ट आ गया कीटोन. उसी तरह अगर हम एक और रिएक्शन करें जहां पर हम कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड लें जिसे हम कैल्शियम फॉर्मेट भी बोलते हैं. अगर हम इसे डिस्टिल्ड करें तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा. प्रोडक्ट इज this and this is known as aldehyde. So हम यहां से aldehyde और ketone दोनों बना सकते हैं by using the calcium salt of carboxylic acids. यहां से हम बना सकते हैं aldehyde और ketone. Now the third method अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जो थर्ड मेथड हमारे पास है दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन से हम किस तरह से अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं अल्काइन फ्रॉम अल्काइन्स. हमें अल्काइन से बनाना है या तो अल्डिहाइड या कीटोन. तो देखिए अल्काइन हमारे पास क्या होता है. अल्काइन इज दिस. और अगर हम अल्काइन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो देखिए क्या होगा. दिस एंड दिस इज नोन एज विनाइल अल्कोहल
अनस्टेबल होता है विनाइल अल्कोहल, और ये टोटोमेरिज्म को शो करता है। टोटोमेरिज्म क्या होता है? टोटोमेरिज्म इज नथिंग बट दिस इज एन अरेंजमेंट। सो यहां जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज दिस अल्डिहाइड। इस तरह से हम अल्काइन से कन्वर्ट कर सकते हैं अल्डिहाइड में। सबसे पहले हम अल्काइन की हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, द प्रोडक्ट इज विनाइल अल्कोहल, और फिर हम विनाइल अल्कोहल जो कि स्टेबल नहीं होता टॉटोमेरिज्म को शो करता है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म को शो करता है, हम उसे चेंज कर देंगे इन द अल्डिहाइडिक फॉर्म। सिमिलर अगर मैं एक दूसरा मोलिक्यूल लूं, एक दूसरा अल्काइन मोलिक्यूल लूं, और इस बार हम इसका मैकेनिज्म भी लिखेंगे। देखिए दिस इज अल्काइन एंड नोन एज प्रोपाइन। अगर मैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट। और अगर हम इसे टोटोमराइज कर दें, रीअरेंज कर दें, देन द प्रोडक्ट इज दिस। और इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए अल्काइन इज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अल्काइन में दो कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड पड़े हैं, पाई बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं, मींस चार इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। सो अल्काइन एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। उसके साथ अगर हम वाटर की रिएक्शन करवाएं तो वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है। सो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच में कभी रिएक्शन नहीं होती। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम उसके अंदर एसिड भी डालते हैं, और जैसे हम उसके अंदर एसिड डालेंगे वाटर सबसे पहले उस एसिड के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही वाटर अटैक करेगा तो यहां प्रोडक्ट बनेगा दिस हाइड्रोनियम आयन। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो हाइड्रोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। अब देखिए ये अल्काइन अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और यहां देखिए क्या होगा, किस तरह से अटैक होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा प्लस वाटर, और वाटर फिर से हमारे पास जनरेट हो चुका है, देन वाटर विल बिकम ए न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन दैट कार्बोकैटायन। तो हमारे पास देखिए किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, जैसे वाटर ने उसके ऊपर अटैक किया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब जो एसिड हम बाहर से ले रहे हैं वो एसिड हमें बाहर देना भी है, सो हम यहां से एच पॉजिटिव को बाहर निकाल देते हैं, और हमारा देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस दिस इज द इनोल, इनोल प्रोडक्ट बन चुका है। अब ये टोटोमेरिज्म रीअरेंजमेंट को शो करते हैं, और ये देखिए क्या होगा, ये अटैक होगा यहां पर, इस तरह से एच को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, सो द प्रोडक्ट इज दिस एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज नोन एज कीटोन। इस तरह से हम अल्काइन से अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हम इसमें हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर का एडिशन कर रहे हैं, और वो भी एसिड की प्रेजेंस में। सो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नाउ एक और मेथड है हमारे पास कि हम अल्काइन से कन्वर्ट करें अल्डिहाइड में या कीटोन में, और वो देखिए मेथड क्या है, एंड दैट मेथड इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकेंड इज द हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है कि हम पहले उसके अंदर बोरेशन बोरोन कंपाउंड को ऐड करेंगे और बाद में उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी। अगर मैं इनिशियली 2 moles किसी एल्कीन के लूं और इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं B2H6 से डाइबोरोन, ठीक है, तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा। प्रोडक्ट इज दिस, जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास इस तरह से आएगा। और अब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं, ऑक्सीडेशन हम करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, सो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो जो प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट इज दिस। By looking at the mechanism, हम अगर mechanism के तौर पे देखें इस reaction को, अगर हम यहां mechanism से करें तो अगर मैं इसे open करके लिखूं तो हम इस यहां इस तरह से लिख सकते हैं, this is B CH2 CH double bond CH double bond CH3। हम यहां इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर बोरोन के भी सिर्फ 3 ही बॉन्ड बने हैं, मतलब बोरोन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है। और जैसे हम इसके अंदर डालेंगे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH नेगेटिव, तो यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर रिएक्शन होगी इस तरह से। परोक्साइड आयन OOH नेगेटिव जनरेट होगा जो बोरोन के ऊपर अटैक करेगा, जिससे बोरोन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। सो ये रिएक्शन इस तरह से होगी। इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और बोरोन का नेगेटिव चार्ज हमने स्टेबल करना है, तो यहां देखिए क्या होगा, दिस बॉन्ड विल गोज हेयर, एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ठीक है, और दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है एंड द बॉन्ड विल गोज अप टू दिस। सो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूं यहां तक, प्रोडक्ट इज दिस। सो इसका अगर हम टॉटोमेरिज्म करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास ये, किस तरह से दिस। सो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइन से अल्डिहाइड या कीटोन। मैं दोबारा से एक बार इस रिएक्शन को समझा देता हूं। हमारे पास एक अल्काइन मॉलिक्यूल है और डाइबोरोन है, और नॉर्मली आप इसे BH3 लिख दें, सो BH3 ये बिल्कुल ओपन एयर ऑक्सीडेशन जैसा है। BH3 बोरोन एक ल्यूइस एसिड का काम करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अल्काइन के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा,
तो तीन मॉलिक्यूल एक बोरोन वाले कंपाउंड के ऊपर अटैक करके हमारे पास ये प्रोडक्ट दे देंगे। अभी भी बोरोन को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन लेके कहीं ना कहीं से स्टेबल हो, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे। सो हम बाहर से उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। तो यहां ऑक्सीजन नेगेटिव विल अटैक ऑन दैट बोरोन, बोरोन के ऊपर अटैक कर देगा, जिससे बोरोन के चार बॉन्ड बन जाएंगे और उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब बोरोन के नेगेटिव चार्ज को हमें खत्म करना है। हम क्या करेंगे, जो बोरोन के दूसरे तीन बॉन्ड थे उनमें से कोई भी एक बॉन्ड टूट जाएगा और वो अटैक करेगा इन द परोक्साइड ऑक्सीजन। परोक्साइड ऑक्सीजन में इस बॉक्स वाले ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये ऑक्सीजन फर्दर एक ऑक्सीजन से अटैच है और वो ऑक्सीजन एक बोरोन से अटैच है जिसे स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोफाइल और वो मॉलिक्यूल जो अल्काइल मॉलिक्यूल है वो उसके ऊपर अटैक करेगा और एक इनोल प्रोडक्ट देगा। इनोल की अगर हम टोटोमेरिज्म करेंगे तो दोबारा हमारे पास द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। अगर हम टर्मिनल अल्काइन लेंगे, मींस ऐसा अल्काइल जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक कॉर्नर पे पड़ा है, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। बट अगर हम कोई ऐसा अल्काइन लें जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बीच में आ जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा कीटोन बनेगा। दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम अल्काइन्स। बट अगर हम कहें कि हमें अल्कीन से बनाना है, हाइड्रोकार्बन हमारे पास अल्कीन्स हैं, अगर हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन हो वो अल्कीन हो, तो हम अल्कीन से किस तरह बनाएंगे हमारा हाइड्रो अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्कीन से बनाने के लिए हम रिएक्शन करेंगे ओजोनोलिसिस। अगर हम अल्कीन से बनाना चाहते हैं तो हम अल्कीन से ओजोनोलिसिस शो कर सकते हैं। और ये रिएक्शन देखिए किस तरह से होगी। दिस ये हमारे पास अल्कीन है, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल, और अगर हम इसकी ओजोनोलिसिस करें तो देखिए मैं मैकेनिज्म के साथ इस रिएक्शन को लिख रहा हूं। सबसे पहले ओजोन का स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, और ये है मेरे पास एक अल्कीन मॉलिक्यूल। नाउ इस तरह से हमारे पास एक साइक्लिक बॉन्ड्स बनेंगे, इस तरह से हमारे पास ये सब बन सकता है। अब देखिए यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां कार्बन एक कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव, अटैक माइट बी पॉसिबल लाइक दिस। सो हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी इस तरह की, एंड दिस इज नोन एज ओजोनाइड, दिस इज नोन एज ओजोनाइड। और अगर हम इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कर दें तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, और जिंक ऑक्साइड ZnO बाहर चला जाएगा और 2 moles हमारे पास यहां पर फॉर्मल्डिहाइड किया जाएंगे इस रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल में। ठीक है, अगर हम यहां से अल्कीन चेंज करेंगे, अगर हम बात करें हम ले बुट 2-ene ले लें, चार कार्बन की चेन ले जहां नंबर 2 पर डबल बॉन्ड हो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे कीटोन्स। या इस तरह से अगर हम अल्कीन को चेंज करते जाएं, अगर हम
अल्कीन को चेंज करते जाएं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते जाएंगे वो कीटोन्स भी बन सकते हैं। तो मैं एक कीटोन का एग्जांपल भी लिख देता हूं यहां पर कि कीटोन्स किस तरह बनेंगे। देखिए कीटोन इस तरह से बन सकता है, अगर मेरे पास ये ग्रुप हो और मैं अगर इसकी ओजोनोलिसिस कर दूं, देन इन द सेकंड स्टेप जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन कर दी जाए, तो देखिए हमारे पास 2 moles ऑफ कीटोन बनेंगे। दिस मैकेनिज्म हमारे पास बिल्कुल रहेगा जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल देखा है, मैकेनिज्म देखा है, मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा रहेगा। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनसे हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। रादर आपको मैकेनिज्म लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि जो रिएजेंट है वो आखिर रिएजेंट काम क्या कर रहा है, किस तरह से काम कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें B2H6 की, B2H6 डिसोसिएट हो सकता है BH3 में, और BH3 में बोरोन के 3 bonds होते हैं, और हमें पता है कि अगर कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है कंपाउंड की फॉर्म में तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेट को ओबे जरूर करेगा, मतलब उसके पास 8 electrons होने चाहिए उसकी सराउंडिंग में, बट बोरोन के पास 6 थे इसलिए वो कहीं ना कहीं से 2 electrons को एक्सेप्ट करेगा। सिमिलर केस हमने ओपन ईयर ऑक्सीडेशन का पढ़ा था, और ओपन ईयर ऑक्सीडेशन में भी सेम प्रोसेस होती है। सो इस तरह से ये कुछ मेथड थे जो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बता देते थे। अब हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जिनसे सिर्फ केवल हम अल्डिहाइड बना सकते हैं या सिर्फ कीटोन बना सकते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।